बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के कृतित्व की प्रौढ़तम रचना है। सुमित्रा नंदन पंत ने इसे हिंदी साहित्य के ताजमहल की उपमा से विभूषित किया। कामायनी जीवन को नवीन दृष्टिकोण से देखने की व्यंजना करता है। कामायनी महाकाव्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित 15 सर्गों का महाकाव्य है। अब इस ग्रंथ को महाकाव्य की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि प्रथम तो यह 15 सर्गों का एक विशाल महाकाव्य है और दूसरे इसके नायक मनु देव संस्कृति के महामानव के रूप में सामने आते हैं, जो कि महाकाव्य की कोटि में ग्रंथ को लाने के लिए आवश्यक है। पौराणिक आख्यान की कथा वस्तु है तथा मानवता के लिए युगों युगों तक महान संदेश निहित है इस काव्य रचना में। इसका रचनाकाल यदि हम देखें तो सन 1935 में इस कृति की रचना हुई थी। जल प्लावन की पौराणिक घटना को आधार बनाकर प्रस्तुत रचना में प्रसाद जी ने मानवता के विकास क्रम को दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह एक संस्कृति ध्वंस होती है और पुनः नवीन संस्कृति परंपरा की स्थापना होती है और इस सोपान में इस प्रक्रिया में किस तरह से व्यक्ति संघर्षों का झंझावतों का सामना करता है। तो मानवता के विकास क्रम को कथा के रूप में प्रस्तुत किया है प्रसाद जी ने। प्रस्तुत ग्रंथ की कथा का आधार शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से लिया गया है। कामायनी में प्रसाद जी ने अपने दार्शनिक सिद्धांत अर्थात शैव दर्शन, समरसता के सिद्धांत तथा आनंदवाद की प्रतिष्ठा का स्तुत्य प्रयास किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जीवन के चार पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्रसाद जी ने इन चारों पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष अर्थात आनंद की अवस्था को मानव जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है कि आनंदवाद तक पहुंचना प्रत्येक मानव का उद्देश्य होना चाहिए और वहां तक पहुंचने के विकास क्रम में हमें अपने कर्म का सदैव पालन करते रहना चाहिए। कर्मवाद का संदेश भी कामायनी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कामायनी की कथा प्रारंभ होती है देव संस्कृति के विनाश तथा नवीन संस्कृति के निर्माण की कथा को प्रस्तुत करते हैं। कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है। इसके पहले सर्ग का नाम चिंता तथा अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रसाद जी का जीवन दर्शन ही आनंदवाद की प्रतिष्ठापना के स्वर को मुखरित करने में व्रत था, तो आनंदवाद की प्रतिष्ठापना की गई है कामायनी महाकाव्य। कामायनी का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि इसमें सर्गों का नामकरण प्रसाद जी ने मानव की मनोवृत्तियों के आधार पर किया, यथा लज्जा, चिंता, श्रद्धा, आनंद आदि।
जीवन के दोनों पक्षों अर्थात प्रवृत्ति मार्ग, जीवन में भोग विलास में रत रहना, तथा निवृत्ति मार्ग अर्थात सब कुछ छोड़ करके वैराग्य धारण कर लेना, इन दोनों मार्गों की अति से सचेत करती है, सावधान करती है। प्रसाद जी बुद्ध के सिद्धांत मध्य मार्ग प्रतिपदा को मानव जीवन के लिए स्तुत्य बताते हैं, अर्थात दोनों की ही अधिकता मानव के लिए हानिकारक है। इसीलिए मानव को प्रवृत्ति अर्थात भोग विलास तथा निवृत्ति अर्थात वैराग्य, इन दोनों के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यही सीख, यही उद्देश्य कामायनी में प्रसाद जी द्वारा मानवता को दिया गया है। और इसीलिए इस कालजयी महाकाव्य को जितनी प्रतिष्ठा उनके युग में प्राप्त थी, उतनी ही प्रतिष्ठा आज भी प्राप्त है। रामचरित मानस के बाद कामायनी का महत्व साहित्य में निर्विवाद रूप से अपने को सिद्ध कर चुका है। कामायनी में यदि पात्रों को देखें तो कामायनी के मुख्य पात्र हैं श्रद्धा, मनु, पीड़ा और मानव। जैसा कि हम देखते हैं कि कामायनी नारी प्रधान महाकाव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसका नामकरण भी प्रसाद जी ने नायिका अर्थात श्रद्धा के आधार पर किया है। कामायनी, काम आयनी अर्थात काम गोत्रजा, काम की पुत्री है श्रद्धा, और उसी के आधार पर नामकरण किया गया है कृति का कामायनी। तो हमें स्त्री के विषय में प्रसाद जी के उच्च विचारों का पता भी इस तथ्य से चलता है। अब कामायनी के मुख्य पात्र श्रद्धा, जिसको प्रसाद जी ने प्रतीक के रूप में व्यक्त किया है, हृदय के प्रतीक के रूप में, रागात्मिका वृद्धि। मनु प्रतीक है मन का, जो चंचल है, अस्थिर है, कभी इधर डोलता है कभी उधर डोलता है। तथा ईड़ा जो कि व्यवसाय का, वृत्ति का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। तो मानव के जीवन में सफलता के लिए हृदय, मन एवं बुद्धि, इन तीनों का सामंजस्य अति आवश्यक है। यही इस कथा का मूल आधार है, यही उद्देश्य है मानवता के लिए इस कृति। अब देखते हैं इसके कथा सार को। तो कामायनी, जैसा कि बताया गया कि प्रारंभ होता है देव संस्कृति के विनाश के साथ। देव संस्कृति का विनाश होता है उसकी भोगवादिता के कारण, अतिशय भोगवादिता के कारण देव संस्कृति का विनाश होता है। जल प्लावन की घटना से संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, और उसी जल के बीच एक नौका पर एकाकी बसते हैं मनु। चारों ओर जल से घिरी पृथ्वी पर एकाकी मनु, असहाय मनु जीवन से वैराग्य धारण कर लेते हैं, चिंता मग्न हो जाते हैं, उनके मन में जीवन का उत्साह छूट जाता है। तभी उनके जीवन में प्रवेश होता है श्रद्धा का, जो कि काम गोत्रजा, काम की पुत्री है, और गंधार देश में ललित कलाओं का ज्ञान देने के लिए आई थी। तभी जल प्लावन होता है और पृथ्वी जल से डूब जाती है। श्रद्धा और मनु दो प्राणी इस पृथ्वी पर बचे हैं। श्रद्धा घूमते घूमते पर्वतीय प्रदेश पर निकलती है और बलि कांड रखा हुआ देखती है, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर मेरे ही अतिरिक्त कोई अन्य प्राणी भी बचा हुआ है। मनु को सामने देखकर श्रद्धा प्रश्न करती है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से बेकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मनु भी श्रद्धा के सौंदर्य और श्रद्धा की कोमलता, श्रद्धा की हृदयगत भावुकता को देखकर आकृष्ट होते हैं और श्रद्धा को बताते हैं कि मैं इस निर्जन प्रदेश में अकेले बचा हूँ, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। श्रद्धा निराश और वेदना में आकंठ डूबे मनु को जीवन का ज्ञान देती है। वो कहती है कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत हाय, तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव जीतते जिसको मर कर भी।
अर्थात तुम यहाँ इस पृथ्वी पर बचे हुए हो। पृथ्वी समस्त भोग ऐश्वर्य से युक्त है। परिश्रम के द्वारा इस पृथ्वी को जीतो और पुनः संस्कृति परंपरा की नींव डालो। इस तरह श्रद्धा मनु के सामने समर्पण करती है, स्वयं को सामने उत्सर्ग करती है और श्रद्धा और मनु एक हो जाते हैं। श्रद्धा और मनु के एक होने के फलस्वरूप संस्कृति परंपरा का विकास होता है और उनका पुत्र उत्पन्न होता है मानव। श्रद्धा भावी मातृत्व में लीन हो जाती है। मनु को लगता है कि श्रद्धा उनसे विमुख हो गई है और यही पर में दिखाई पड़ती है मन की चंचलता, कि मनु के अंदर मन की चंचलता दिखाई देती है जो कि एक जगह टिक कर नहीं रहता, चंचल प्रवृत्ति। मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, वे सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। वहां पर उनकी भेंट कीड़ा से होती जो कि साम्राज्ञी है उस प्रदेश की। उस प्रदेश नीरस प्रदेश को मनु श्रद्धा वहां के निवासियों की सहायता से फिर से उर्वर बनाते हैं। परंतु तभी मनु का हैं फिर जागृत हो जाता है और वो ईड़ा पर अत्याचार प्रारंभ कर देते हैं। वहां की जनता विद्रोह कर उठती है, फलतः मनु को वहां से भी जाना पड़ता है। इधर श्रद्धा मनु की तलाश करते करते उनको खोजते खोजते सारस्वत प्रदेश पहुंचती है। वहां ईड़ा से जब उन्हें पूरे घटनाक्रम का पता चलता है तो वो अपने पुत्र मानव को ईड़ा के पास छोड़ करके मनु की खोज में निकल जाती है। उधर मनु भी हिमालय पर पहुंचते हैं। श्रद्धा और मनु की पुनः भेंट होती है। मनु को अपनी गलती का अनुभव होता है और वो पुनः श्रद्धा से एक हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मानव संस्कृति परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते किस तरह से बीच में अवरोधों का सामना करती है, परंतु ये मानव है जो हर अवरोध को पार करते हुए भी अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। तो ये था कामायनी का कथा सार, कामायनी के प्रथम बिंदु, प्रमुख तथ्य कामायनी से संबंधित। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कामायनी के श्रद्धा सर्ग के विषय। तो कामायनी एक सुंदर इतिहास है मानवता का। जयशंकर प्रसाद द्वारा ये हिंदी साहित्य को दी गई अमूल्य भेंट। धन्यवाद।